नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोरोना संकट और देश की गिरती अर्थव्यवस्था के बीच मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतिम चरण का ऐलान कर दिया है। सरकार ने ऐलान करते हुए कहा है कि इसका निर्माण आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अगस्त 2022 तक किया जाएगा। सरकार ने इसे मल्टी प्रोजेक्ट के लिए एक डिजाइन प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए प्रोजेक्ट की समय रेखा और साइट स्थान का भी ऐलान किया है। परियोजना का अंतिम चरण नव भारत उद्यान होगा, जो राजधानी में पुराने किले के पास यमुना नदी के तट पर विकसित किया जाएगा और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक मौजूद 2.9 किलोमीटर लंबे सेंट्रल विस्टा का विस्तारित हिस्सा होगा। 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन के अलावा 3 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक केंद्र सरकार के कई दफ्तरों का भी निर्माण होना है। परियोजना के तहत राजपथ के दोनों किनारों पर सरकारी दफ्तरों का निर्माण होगा, जो नॉर्थ ब्लॉक से शुरू होगा। इसके बाद यमुना के तट पर अद्भुत संरचना के साथ नव भारत उद्यान विकसित किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक 20.22 एकड़ में फैला नव भारत उद्यान खुला रहेगा और इसमें अद्भुत संरचना के साथ साथ इंफोटेनमेंट की सुविधा जैसे स्फीयर ऑफ यूनिटी, मिलिन स्टोन्स, वॉकवे, जर्नी ऑफ इंडिया, टेक डोम, एम्फी थिएटर आदि होंगे। विकसित किया जा रहा नया डिजाइन भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, वैज्ञानिक उपलब्धियां और न्यू इंडिया की विविधता और आकांक्षाओं में एकता का प्रतीक होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।